हेलो सर्वे इंजीनियर, आज इस वीडियो में जानेंगे लोकल कोऑर्डिनेट के बारे में। कोई भी जगह आपका काम करना है, वहाँ पर अगर कोई आपका बेंचमार्क का कोऑर्डिनेट वैल्यू नहीं रहता है तो आप वहाँ पर कोई भी जगह का लेआउट कोई भी काम कर सकते हैं टोटल स्टेशन के माध्यम से। तो उसी बारे में अब जानकारी आपको दे देंगे, तो इस वीडियो में बने रहिए। लोकल कोऑर्डिनेट कैसे इनपुट करना है बहुत ईजी एवं सिंपल तरीका से आपको समझाएंगे। तो आपको अनुरोध है वीडियो को पूरा एंड तक देखें, आपका बारीकी से पूरा ए टू जेड पॉइंट आपको समझा देंगे। चलिए आप वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए आपको एक परमानेंट पॉइंट होना चाहिए, टीबीएम ऑन, टेम्पररी बेंचमार्क ऑन रखा हूँ, जो मशीन के एकदम सीधी 90 में है, आप देख सकते हैं। ये पॉइंट मार्क करने के बाद आपको सेकंड काम है दूसरी पॉइंट मार्क करना है, थोड़ा डिस्टेंस में, थोड़ा एंगल में। टीबीएम नंबर 2 वहाँ पर मैं मार्क किया हूँ, ये टीबीएम 2 है। जब दोनों टीबीएम आपका मार्क हो जाएगा, इसी के पॉइंट के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। लोकल कोऑर्डिनेट बनाने के लिए मेनू में जाइए, एसओ पे जाइए, फिर एसओ में थर्ड ऑप्शन है ऑब्जर्वेशन। जब ऑब्जर्वेशन में ये आ जाएगा ऐसे डिस्प्ले, तो आप डिस्प्ले चेंज कर लीजिए। फिर HD हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जब आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नोट डाउन करना पड़ेगा। तो मेरा असिस्टेंट अभी टीबीएम नंबर 2 पे गया है, तो उसको मेजर करके हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मालूम कर लेता हूँ। टीबीएम नंबर 2 है, जब प्रॉपरली आपका फोकसिंग में रहेगा मशीन, देन मेजर करिए। तो HD है 18 मीटर 136 मीटर HD, इसको नोट कर लेता हूँ। HD का फुल फॉर्म हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। जब ये नोट डाउन हो जाएगा, देन आप बैक करिए, बैक, फिर जाइए फर्स्ट ऑप्शन कोऑर्डिनेट पे। कोऑर्डिनेट में जाके OCC ओरिएंटेशन, ऑक्यूपाइड ओरिएंटेशन में जाइए। फिर ये जो अभी वैल्यू डालना है, इस TBM 1 का वैल्यू डालना है, तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ TBM वैल्यू 0.000 है। स्ट्रिंग भी डाल देता हूँ मैं 1.0.000, स्ट्रिंग 0 डाल दिया, नॉर्थिंग 1.00.000, तो इसको भी नोट डाउन कर लेता हूँ। RL डाल देता हूँ 10, और इसका TBM का नाम है TBM 1, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट 1.322, इसको मेजर किया था। आपको मेजर अगर करना है, ये जो आपका क्रॉस दिया हुआ है, इस क्रॉस से जो ग्राउंड लेवल है वहाँ से टेपी करके जितना आपका मेजरमेंट आएगा वही हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है। तो और इसको करेंगे, मैं कोड में TBM दे दिया, ऑपरेटर नाम मेरा नाम डाल दिया अब्दुल, आप जो भी है एज इट इज रख दीजिए। फर्स्ट पेज में आइए, फिर BS NEZ, इसी में अब फिर आपको क्लिक करना है BS NEZ। इसमें ईस्टिंग को रखना है आपको 0, और नॉर्थिंग को रखना है जो इधर 100 रखा था, इससे प्लस हो जाएगा, ये जो HD डाला था आपने 18.136, इसको प्लस भी कर सकते हो, आप माइनस भी कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। TBM 2 का वैल्यू हो जाएगा ईस्टिंग 0.000, ईस्टिंग को मैं कोई चेंज नहीं किया, नॉर्थिंग को किया हूँ 118.136, जेड को मैं बाद में इसको मेजर कर लेंगे। तो सेम नॉर्थिंग में डाल देता हूँ 118.136, इसको अभी फिलहाल छोड़ ही देता हूँ 10 करके। तो आप बैक साइड में जब देखेंगे, यहाँ पर जो बैक साइड लिखा हुआ है EBS NEBS ZBS, देन ओके बोल रहा है टेक बैक साइड, तो उस बैक साइड को आप मेजर करना है, TBM नंबर 2 उसको मेजर करना है। तो मेरा असिस्टेंट को बोलता हूँ TBM 2 नंबर 2 पे जाइए टेम्पररी बेंचमार्क में। सेकंड पॉइंट है आपका बैक साइड पॉइंट, उसको दोबारा मेजर कर लीजिए, मशीन प्रॉपरली टारगेट में है, देन आप मेजर कर लीजिए। दोबारा मेजर करते हैं,
देख सकते हैं 00HD आपका 0 आया है, देन ओके, तो आपका ये बैक सेट कंप्लीट हो गया है। देन ऑब्जर्वेशन में जाके एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। अब देख सकते हैं ईस्टिंग में 0 रखा था, नॉर्थिंग का वैल्यू दिया था 118.136 और जेड वैल्यू का अभी मैं दिया नहीं था, तो आपका ये 100 करके जेड वैल्यू भी दे सकते हैं, तो उसका जेड वैल्यू है 9.991, यानी तीनों वैल्यू आ गया है। अब ये दोनों कोऑर्डिनेट जब आपको मिल जाएगा, आप एक बार नोट पे भी देख लीजिए, ईस्टिंग रखा 00, मशीन में भी 00, नॉर्थिंग 118.136 सेम, और जेड अभी नया आया है 9.991, तो उसका आरएल हो जाएगा 9.991, और ये टीबीएम एक का था, आरएल 10 पकड़ा था। तो यही था लोकल कोऑर्डिनेट का। आप इसको ऑटो कैड में इजीली पुट करके कोई भी जगह, किसी भी जगह आपका इधर प्लॉट कर सकते हैं, कोई भी कुछ भी काम कर सकते हैं। ये दोनों को परमानेंट करके इस कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग कोई भी जगह का टोपोग्राफी, लेआउट, जितना सारा काम है आप कर सकते हो। लोकल कोऑर्डिनेट के लिए यहाँ पर मैं मशीन फिक्स किया था, 8 TBM एक था, इसका वैल्यू रखा था बैक साइड के लिए ईस्टिंग 0.000, नॉर्थिंग 100.000, एलिवेशन 10.000, सेम थोड़ा दूरी में 8 TBM 2 रखा था। जब इसको मैं एसओ डाटा में जाके ऑब्जर्वेशन किया था एसओ पे, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकल के आया था 18.136, तो ये जो डिस्टेंस आया था ये नॉर्थिंग के साथ प्लस कर दिया था, तो इसका न्यू वैल्यू आया था, ईस्टिंग सेम 0 रखा था, नॉर्थिंग 118.136, जेड आया था जब ऑब्जर्वेशन किया था 9.991। ये दोनों को दोबारा आप डिसेक्शन करके बैक साइड करके भी कर सकते हो। यही था लोकल कोऑर्डिनेट का पूरा फंक्शन। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अपना यूट्यूब चैनल सर्वे सोसाइटी को। वीडियो की लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।